दर्शक बंधु किछि दिन तळे आमे पेशावर रे थिबा एको मस्जिद रे आत्मघाती बोमा विस्फोरण संपर्क रे आपण मानकु सूचना देथिरु। एही विस्फोरण एते भयाभय थिला जे आमे जेतेबेले रिपोर्ट आपण मानकु जणैथिलु सेतेबेले प्राय 48 जण मृत्युवरण करबा कथा मध्य कहितिलु, किंतु जहा परवर्ती अध्याय रे प्राय 100 रु ऊर्ध मृत्यु संख्या बढ़िवार मध्य परवर्ती रिपोर्ट रे आसीथिवार खबर मिलेछि। तेबे पाकिस्तान रे जदि विस्फोरण कथा कह जाए एहा नुआ नुह लगातार पाकिस्तान रो विगत 6 मास कु जदि अनुध्यान करा जाए पाकिस्तान रो विभिन्न प्रांत रे आतंकवादी हमला आत्मघाती बोमा विस्फोरण एवं हिंसा भली अनेक गुड़िए घटना आपण मानको सामना को आथिबो एवं पेशावर रे होइथिबा मस्जिद विस्फोरण मध्य एभली एक घटना, किंतु परवर्ती अध्याय रे जो दृश्य देखिबा को मिलिति एहा खुद पाकिस्तान सरकार को मध्य चकित कर दी। निकट एक रिपोर्ट रु जना पड़ी कि विस्फोरण घटना परे परे एबे सेनांक विरुद्ध रे खोला विद्रोह आरंभ कर दी पाकिस्तान पुलिस। आज पर्यंत आतंकवादी विरुद्ध रे पाकिस्तान पुलिस पाकिस्तान सेना कार्यानुष्ठान ग्रहण करथुबार खबर आपण माने पाइथिबे, किंतु संभवत प्रथम थर पई पेशावर पुलिस खोलाखोली राजरास्ता को उल्लै आसी पाकिस्तान सेना एवं आईएसआई विरुद्ध रे। एमानंकर कहिबा कथा हेउची कि मस्जिद रे जेउ आत्मघाती बोमा विस्फोरण हला जदियो एहार उत्तरदायी निज ऊपर को तेहरीके तालिबान पाकिस्तान नेइची, किंतु एहा मिलित भावरे सेना आईएसआई एवं तेहरीके तालिबान पाकिस्तान तरफ रु करा जाइची। एबे सरकार को पई सबटु बड़ मुश्किल रो विषय ए कि ना तो सरकार सेना को ए विषय रे पचारी पारिबे कोनोसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करी पारिबे, ना तो पाकिस्तान पुलिस को समर्थन दे पारिबे। तेनो पाकिस्तान पुलिस प्रथम थर पई एबे राजरास्ता को ओल्हई आसी बहुत जोर गंभीर आरोप लगाईची पाकिस्तान सेना उपरे। निकट अतीत रे पाकिस्तान सेना पई सबुठारु बड़ा मुश्किल पर्याय सृष्टि करथिला तेहरीके तालिबान पाकिस्तान। सेना एवं तेहरीके तालिबान पाकिस्तान रो संघर्ष मध्य रे हठात तृतीय पक्ष पुलिस एवं सेना को टार्गेट करबा परिस्थिति को संपूर्ण रूप से बिगड़े देथिबा मने हुए। तेणु संभवतः पाकिस्तान सरकार को पई एक बड़ चैलेंज हला कि एते बड़ घटना को केमिति भाबरे सुचारू भाबरे निज अख्तियार को आनिबे। प्रथम रु पाकिस्तान सरकार एक टार्गेट नहीं थे कि इमरान खान को दल को एक झटका देवी। एही हिसाब रे गोटे परे गोटे नेता को राति अधिया गिरफ करी बारे हेला करूनी पाकिस्तान पुलिस एवं लगातार इमरान सरकार रे थिबा पूर्वतन मंत्री मानंकु मध्य गिरफ करा जाउची। ए नै एक राजनैतिक दल उपरे चाप सृष्टि करी आगामी निर्वाचन रे पुनर्बार निर्वाचित हबा को मसूदा करतुबा संप्रति शहबाज शरीफ सरकार एही विस्फोरण परे परे एक भिन्न धरणर परिस्थिति सह सामना करिचंती, जेउठी खोलाखोली पुलिस पाकिस्तान रो सेना प्रति विरोध करिची विद्रोह आरंभ कर दिछि एवं एथिरे केवल सेना नु आईएसआई को मध्य संपृक्त करिची। एथिकरे पाकिस्तान रो समस्या सरु नाही, कारण दरदाम वृद्धि महंगा बोझ एवं पेट्रोल तेल भली जो अत्यावश्यक सामग्री रे कमी आसीबा एवं लगातार भावरे पाकिस्तान रे बिजुली संकट देखा जिबा भितरे सबुठारु उत्कट समस्या वर्तमान खाद्याभाव बोली जना पड़ी। ए नै पाकिस्तान रो प्रमुख शहर गुड़ी को छाड़ी देला परे जदि आमे पाक अधिकृत कश्मीर को देखिबा एठाकार हालत अत्यंत बेहाल बोली जना पड़ी एवं एठी लोकमाने निजर तथाकथित राष्ट्रपति को मध्य खोजिबा आरंभ कर दैछन्ती। एक रिपोर्ट रु जना पड़ी कि लोकंकर एही आंदोलन भितरे तथाकथित राष्ट्रपति बारिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी विदेश चली जाइछन्ती। तुर्की इंग्लैंड एवं बेल्जियम रे से 15 दिन काल रहिबे एकथा मध्य खबर मिलिछि। तबे से काहे कि 15 दिन धरि पाक अधिकृत काश्मीर छाड़ी चली जाइछन्ती ए नै कोनोसी स्पष्ट रिपोर्ट मिलि नाही। संभवतः संप्रति पाकिस्तान रे जेउ भली भाबरे खाद्य संकट उत्कट हबारे लागिछि एवं खास करी गिलगिट बाल्टिस्तान रो लोकमाने एथिपई राजरास्ता को ओल्हैवा मध्य बंद करुना खाद्याभाव हो मुद्रास्फीति हो दरदाम वृद्धि हो बा उत्कट बेकारी हो एसबू को कमैवा पई लोकंक पाखरे आंदोलन छोड़ा आउ कोनोसी विकल्प नथिवार मध्य मने हुए। एवं सबुठ बड़ कथा ना तो पाकिस्तान प्रशासन ना तो पाक अधिकृत काश्मीर रे थिबा स्थानीय नेता
केही मध्य ही समस्यार समाधान करिबा पई चाहुनांती बा सेमानंक द्वारा संभव पर हेउना। पाकिस्तान रे वर्तमान गहमर घोर अभाव देखा दैछि। एहा छोडा अत्यावश्यक खाद्य सामग्री मध्य उपलब्ध हेउना। 150 टंका रे 3 किलो अटा जहा अंटा हाड़ भांगी दैछि पाकिस्तानी लोकंकर। केवल सेतिक नु एतिकी बेले चीन रो मध्य किछि रणनीति जहा एही लोकमानंकु व्यापक असुविधारे पकाइछि। एवं एही रणनीतिर प्रथम जो भली भाव में आक्रमण बोली कहु यहाँ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोली कहु कारण यह आग को बढ़ेवा को चीन एवं पाकिस्तान मध्य जो पाक अधिकृत काश्मीर अंचल गुड़िक रही एगुड़िक पाकिस्तान सेना खणी एवं जमीगुड़ी जबरदखल करुवार अभियोग खासकर जदि आम गिलगिट बाल्टिस्तान अंचल स्थानीय प्रशासन विरुद्ध लोक मैंने आंदोलन करार घटना को देखा ताहले प्रशासन तांको जमी हड़प करी लोकमानको जबरदस्ती सेना द्वारा दमन करुथवा मध्य सामना को आसी। जदि मोटामोटी ए घटना को आम देखा ताहले विगत 7 दशंधि धरी गिलगिट बाल्टिस्तान तार संपूर्ण संवैधानिक चरित्र को हराई बसी। एवं गिलगिट बाल्टिस्तान रो राज्यपाल शाहद मेहदी शाह कहते कि अंचल आर्थिक संकट अति जटिल होई सरकार कौन प्रकार आर्थिक सहायता देवाई सक्षम होना तेणु प्रत्येक वर्ष जो वार्षिक उन्नयन पांठि मान को मिली थाए ताबत पाकिस्तान सरकार एमानंकु देना तेणु खाइबा दर वृद्धि जो जी भी लोक मैंने किणुंट अंटू ना तेणु सबुठ बड़ कथा एवं पाकिस्तान में केवल दुईट स्लोगान खाइबा को दियो नचे टंका दियो। एभली एक स्लोगान भितरे पाकिस्तान सरकार एवं जदि सेना एवं पुलिस मध्य विभेद को ग्रहण करने को जी आग को चली एही परिस्थिति आहुरी उत्कट हबार संभावना मध्य एड़ाई दे हेउना। जदि आपण जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्म क्षेत्र निजुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पई आमको जोगाजोग करंतु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। ऑडियम क्लीनिंग सेंटर फॉर स्पीच एंड हियरिंग एठरे शिशु वयस्क मानकर श्रवण यंत्र वाटरप्रूफ श्रवण यंत्र स्पीच थेरापी और श्रवण परीक्षा उपलब्ध। मोबाइल नंबर 8050604137 9337868504। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।